नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टूट के चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस जगह पर हाथ लगाकर किसी भी महिला को बना लो अपना दीवाना। इस जगह पर हाथ लगाकर किसी भी महिला को बना लो अपना दीवाना। कौन सा जगह में हाथ लगाना है ताकि वो महिला जो है आपका प्यार में दीवाना बन जाए, वो आपके मोहब्बत में पागल बन जाए, आपका प्यार के बिना वो नहीं रह सके। बहुत ही शक्तिशाली उपाय और कारगर उपाय मैं बताने जा रहा हूं। यदि आप किसी स्त्री से मोहब्बत करते हैं, स्त्री का प्यार को पाना चाहते हैं, औरत का प्यार को पाना चाहते हैं, महिलाओं का प्यार को अगर आप पाना चाहते हैं, तो इस जगह पर लगा हाथ लगा दो। वो स्त्री तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगी, स्त्री तुम्हारे पीछे पीछे घूम करके, तुम्हारे आगे पीछे घूम करके तुम्हारा गुलामी करेगी। जो बोलोगे सो वो करने को तैयार हो जाएगी। बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। आखिर कहां पर हाथ लगाना है, किस जगह पर लगाना है, मैं सारे कुछ आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स पर जाकर के हर हर महादेव जरूर लिखे, ताकि बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव के लिए बना रहे। मित्रों, औरत जो होती है, स्त्री जो होती है, उसका बहुत सा जो है सेंसिटिव अंग होता है। स्त्री का स्तन होता है, स्त्री का जांग होता है, स्त्री का पिछवाड़ा होता है। कहीं ना कहीं सबका अलग रिजल्ट और परिणाम को देखने को मिलता है। तो अगर आप किसी भी स्त्री को, बिना जान पहचान स्त्री को अगर आप पकड़ लेते हैं या छू लेते हैं, तो वो स्त्री आपके साथ झगड़ा कर लेगी, वो आपके साथ में मारपीट कर लेगी, झगड़ा कर लेगी, आप बेइज्जत हो जाएंगे। लेकिन इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं, और इस उपाय को कर करके अगर स्त्री के इस जगह पर अगर आप हाथ लगा देते हैं, तो निश्चित तौर से जो है वो स्त्री आपकी दीवानी बन करके रहेगी। वो आपके आगे पीछे घूमेगी, जिंदगी भर गुलाम बन करके रहेगी। तो इसको कैसे करना है, इसकी तरीका क्या है? यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और बगल में बेल घंटी को ऑन जरूर कर दे, ताकि आप मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं। मित्रों, सबसे पहली बार आपको मैं एक मंत्र बताने जा रहा हूं। इस मंत्र को 108 बार करके 3 दिन पूजा करते समय में इसको जाप कर लेना है। लेकिन पूजा तभी करना है आपको, जाप इस मंत्र को उसी समय करना है जिस समय पूरी तरह से वातावरण शांत हो। या आप सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, सुबह 4 बजे सूर्य उदय से पहले तक, या नहीं तो रात को 11 बजे के बाद 108 बार इस मंत्र को जाप करना है। मंत्र पहले सुन लीजिए किस प्रकार है। मंत्र इस प्रकार है, ऐं ह्रीं काम देवाय सर्व स्त्री माम अवश्यम वश्यम कुरकुर स्वाहा। ऐं ह्रीं काम देवाय सर्व स्त्री माम अवश्यम वश्यम कुरकुर स्वाहा। ऐं ह्रीं काम देवाय सर्व स्त्री माम अवश्यम वश्यम कुरकुर स्वाहा। इस मंत्र को आपको 108 बार बोल करके आपको 3 दिन तक इसको सिद्ध कर लेना है। ये ऑलरेडी सिद्ध मंत्र है, लेकिन इस मंत्र को अगर आप अपने से कर लेते हैं तो मंत्र की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी, आपके अंदर इसकी पावर आ जाएगी। उसके बाद करना क्या है, जो स्त्री को आप पसंद करते हैं, जिस मन चाहे स्त्री को आप पसंद करते हैं, तो उस स्त्री का नाम लेकर के 7 बार इसी मंत्र को आपको रिपीट कर लेना है। ऐं ह्रीं काम देवाय अमुक स्त्री माम अवश्यम वश्यम कुरकुर स्वाहा।
अमुक के जगह पर उस स्त्री का नाम लेना है या सर्व स्त्री के जगह में भी उसका नाम लेना सकते हैं। इस मंत्र को आपको 7 बार बोल करके उस स्त्री के पास चले जाना है और इसी स्त्री के पास जा करके किसी भी बहाना से, किसी भी तरह का से, किसी से भी जैसे गुजर रहे कोई ना कोई बहाना से आपका ये बायां हाथ का जो ये उंगली है, अनामिका जो उंगली है, बायां हाथ का अनामिका उंगली, इस उंगली से आपको स्त्री का अंक कहीं भी जो उसको टच कर देना है, खाली कहीं भी टच कर देना, पकड़ देना है और टच करके हट जाना है, बस इतना सा कर देना है। देखिए भाई उसके बाद उस स्त्री का प्यार जो है वो आपके कदमों में आकर के गिरेगी, वो स्त्री जो है आपके मोहब्बत में दीवानी बन करके रहेगी। बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, इसको आप अवश्य करें, इसको आप सफलता मिलेगी। इसी आशा उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता रानी।